जब हमने किसी की क्वालिटी की बात करनी हो, किसी के बारे में ये कहना हो कि कोई बहुत ही जुनूनी है, पैशनेट है, एंथुसिस्टिकली वो काम करता है किसी चीज़ को लेके, तो अक्सर हम दो वर्ड्स में से एक को चूज करते हैं। एक है एविड, एक है आर्डेंट। तो क्या डिफरेंस है एविड एंड आर्डेंट में? क्योंकि हम कहते हैं फलाना फलाना एविड रीडर है, मैं एविड रीडर हूँ, फलाना आर्डेंट नेचर लवर है, तो क्या डिफरेंस आता है दोनों में? क्या ये दोनों सेम है? माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कवलजीत कौर और आज हम बात करने लगे हैं इनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में। दोनों ही वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, दोनों ही किसी इंसान की क्वालिटी बताते हैं जो बहुत जुनूनी होता है, जिसमें बहुत कीननेस होती है, पैशन होता है किसी चीज़ को लेके, और वो बहुत ही एनर्जेटिकली एंथुजेस्टिकली उस चीज़ को करता है। बट देर इज़ अ सटल डिफरेंस एंड दिस लिटल डिफरेंस चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल टुगेदर। तो हम बात करते हैं इस डिफरेंस की। पहले नंबर पे हम लेते हैं आर्डेंट। आर्डेंट हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के साथ किसी इंसान की एक इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, किसी पर्सन के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी बिलीफ के साथ वो इमोशनली अटैच्ड होता है, तब हम कहते हैं आर्डेंट। कोई किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए उसका जो आर्डेंट फैन हो सकता है, फॉलोअर हो सकता है, किसी पार्टी के लिए हो सकता है आर्डेंट वर्कर हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स टीम के लिए वो जो है उन किसी उनमें से किसी प्लेयर का या किसी टीम का वो आर्डेंट फैन हो सकता है, क्योंकि इन सभी केसेस में उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तभी आपने देखा नहीं, जब कभी कोई पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं तो पार्टीज के जो वर्कर्स हैं आपस में लड़ पड़ते हैं। इसी तरह जब कोई मैच खेले जाते हैं तो किसी मैच के जीतने या हारने को लेके या आपस में जो उनके फैंस होते हैं उनकी झड़प हो जाती है, क्योंकि वो उनके साथ इमोशनली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होती हैं। तो इन दैट वेरी केस दे आर आर्डेंट फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन और द टीम। तो ये होता है आर्डेंट, जहाँ पे किसी की इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। एंड ऑफ कोर्स पैशन तो है, एंथुजिज्म तो है, पर साथ में क्या है, इमोशनल अटैचमेंट है। अब हम बात करते हैं एविड की। सो ऑफ कोर्स जो कोई एविड रीडर है, जहाँ जहाँ जो अपने आप के लिए या किसी के लिए एविड टर्म यूज करता है, आई एम सो एंड सो, आई एम एविड ट्रैवलर, आई एम एविड रीडर और आई एम एविड नेचर लवर, कहीं भी अगर कोई ऐसी जो टर्म अपने लिए यूज़ करता है तो उसमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू आर्डेंट। एविड जो होता है उसमें एक डिफरेंट तरह की कीननेस होती है, उसमें क्यूरोसिटी होती है, उसमें ईगरनेस होती है टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट थिंग। अब जो एविड रीडर्स होते हैं, क्यों होता है, जब वो जिनको एक्चुअली पढ़ना अच्छा लगता है, जब वो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो पढ़ते जाते हैं उसके आगे आगे आगे, उनका जो इंटरेस्ट बनता जाता है, क्योंकि वो ईगर होते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं इसके आगे और क्या और कितना। सो वहाँ पे हम एविड वर्ड यूज़ करते हैं। अब कोई अगर हाइकर है, किसी को हाइकिंग अच्छी लगती है, कोई एविड हाइकर हो सकता है, एविड ट्रैवलर हो सकता है, तो जो ट्रैवलर है उसको जहाँ जाना है वो क्या करेगा, जाने से पहले उस सारे एरिया की वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, रिसर्च करेगा, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, वहाँ मोड ऑफ कन्वेंस क्या है, या उनकी लैंग्वेज क्या है, और हो सकता है वो उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश भी करे। उसमें हमेशा नया नया जानने की जो उत्सुकता है बनी रहती है। मेरे ख्याल में अब आपको जो इनका डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। एविड मीन जहाँ पे उत्सुकता है और जानने की, ईगरनेस है कुछ नया जानने की, क्यूरोसिटी है, और जो आर्डेंट है उसमें तो आप कह सकते हो कि बस उनकी एक कह लो कि कमिटमेंट है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट है, फिर चाहे वो सही है जहाँ गलत है, पर वो पूरे जुनून के साथ उसके लिए लगे होते हैं। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीइंग एविड और आर्डेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।